जीसी आमतौर पर 4 बजे उठता है और अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है ताकि वो अपने दिन को शुरू कर सके। 1 घंटे की ट्रेनिंग सेशन के बाद जीसी को पीटी ग्राउंड या ड्रिल स्क्वायर की ओर अपने ओडीटी रशिंग के लिए रेडी होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो अगले 1.5 आवर के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है। पसीने में भीगने के बाद वो अपने कैबिन में वापिस आता है मेंटेनिंग प्रॉपर स्क्वाड्स। वहां वो नहाने और अगली रिग में बदलने के लिए जितना हो सके उतना तेज होने की कोशिश करता है। फिर अपने ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा होने की उम्मीद में वो विक्रम बत्रा मेस की ओर बढ़ते हैं एंड एंडिंग अप सिटिंग नेक्स्ट टू अ सीनियर। जीसी होने के नाते वो गलती करने के लिए बाउंड है। इन गलतियों की वजह से उसे पानी पी के भी काम चलाना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान से शुक्रिया करता है कि उसको फर्दर रॉजरिंग से बचाया। वो अपना स्पिरिट हाई रखता है और फिर से अपनी बाइक लेने के लिए कंपनी की ओर दौड़ता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसका सीनियर उसकी बाइक लेना चाहता है या इससे भी वर्स, उसकी बाइक वहां पहुंचने से ही पहले ले ली गई है। तो आइए IMA की डेली लाइफ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। किसी तरह जीसी अपनी क्लासेस में टाइम से पहुंचता है, जहां उसको टायर्डनेस की वजह से नींद आती है, चाहे वो फर्स्ट बेंच पे बैठे हो या लास्ट रो में। वहां भी उसका फॉर्च्यून उसका साथ नहीं देता, बिकॉज हिज डायरेक्टिंग स्टाफ स्टार्ट टेकिंग हिज हैप्पीनेस फॉर स्लीपिंग। फिर या तो उसे फुल बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर के रूट मार्च जैसी पनिशमेंट से रिवॉर्ड किया जाता है, या सिर्फ क्लास के अंदर फनी थिंग्स करने को बोला जाता है। फाइनली भगवान उनकी प्रेयर सुनता है और लेक्चर ओवर हो जाता है, लेकिन फिर से वही हिस्ट्री रिपीट की जाती है। Somehow feeling disgusted yet keeping his calm, the lectures are over और फिर उन्हें प्रॉपर स्क्वाड्स में लंच के लिए आगे बढ़ने के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन कई बार उसकी भूख उसके ड्रिल इंस्ट्रक्टर के साथ समाप्त हो जाती है, जो उसे इम्प्रॉपर स्क्वाड्स में जाने की वजह से पनिशमेंट देता है, या फिर और रीजंस के लिए, जैसे कि नॉट विशिंग इंस्ट्रक्टर परहैप्स आउट ऑफ ऑल हिज ईगरनेस टू रीच द मेस। उसकी बैड लक की वजह से उसे अपना लंच करने को नहीं मिलता, या तो कुछ सीनियर के कारण जो उसको रास्ते में या मेस में मिल जाते हैं। वो अपने कैबिन में वापस आते हुए उम्मीद करता है कि अब कुछ गलत नहीं होगा। वो अपने सीनियर के मैसेज को रिसीव करता है, जिसने उनमें से एक के कारण पूरे कोर्स को बुलाया है। पूरे आफ्टरनून तक लगातार वो कोर स्पिरिट के नाम पर अनऑफिशियल ट्रेनिंग से गुजरता है। शाम को वो खुद को कंटेंट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि टी रूम को भी नहीं देखता, जहाँ शाम की चाय और स्नैक्स को सीनियर लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब आता है दिन का सबसे टफेस्ट पार्ट, जो है स्टडी पीरियड। इस टाइम के दौरान थकावट से वो अपनी आंखों को खुला रखने के लिए अपने लेवल पर बहुत ज्यादा कोशिश करता है ताकि उसे नींद ना आए। कभी कभी अगर वो लकी रहा तो वो बिना पकड़े हुए कुछ टाइम के लिए सो जाता है, लेकिन ज्यादातर बार उसको यहाँ भी पनिश किया जाता है। देन कम्स ऑर्डर फॉल इन फॉलोड बाय डिनर, जो या तो स्किप करता है टायर्डनेस की वजह से, या काफी कम टाइम होता है इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिनर करके निकलता है। विंटर्स के टाइम मसूरी नाइट्स का ट्रेडिशन है, जहां जीसी हर 20 मिनट में ठंडे पानी का एक मग पीता है और मसूरी को स्टेयर करता है। फन पार्ट ये है कि जीसी को गर्मी को एज्यूम करना होता है मसूरी लाइट को देखते हुए। ये विल पावर का टेस्ट है। बटालियन फॉलेंस भी है, जहां बटालियन ड्यूटी ऑफिसर आपको रगड़ा दे सकते हैं, यानी पनिशमेंट। जीसी को इस समय काफी बुरा लगता है, जहां पूरी तरह से थका हुआ है, सोना चाहता है, लेकिन रात में पीटी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। एंड में वो अपना पेट भरता है और बिस्तर पर लेट जाता है, भगवान को शुक्रिया करता है कि उसकी ट्रेनिंग का एक और दिन खत्म हो गया। अपनी लीव के लिए बचे दिनों को गिनता है, यानी मिड टर्म ब्रेक या टर्म ब्रेक। वो अपने साथ हुए सभी बुरे को दूर कर देता है और होप करता है कि एक दिन वो जो भी जिंदगी में चाहता है उसको अचीव करेगा, अपने आप को साबित करेगा अपने परिवार और दुनिया को कि वो एक मर्द है। हिम्मत से भरा, पेशेंस और एंड्योरेंस से अपनी लाइफ में एक सच्चा लीडर बनने के लिए। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।